इतिहास की दिलचस्प कहानियों के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें लिव हिस्ट्री इंडिया। उर्दू जिसे कहते हैं तहजीब का चश्मा है, वो शख्स मुहज्जब है जिसको ये ज़बां आई। ये कश्मीर के नई नस्ल के शायर शाह फैजल हैं, जो इंजीनियरिंग छोड़कर रेख्ता यानी उर्दू को फिर से जिंदा करने की डिजिटल मुहिम में शामिल हो गए हैं। हम सभी ने मीर तकी मीर, मिर्जा गालिब, फैज अहमद फैज, फिराक गोरखपुरी और यहाँ तक के गुलजार और जावेद अख्तर के बारे में सुन रखा है, लेकिन रेख्ता ने इंटरनेट और सोशल मीडिया के जरिए इस जबान को दुनिया में उन लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की है जिन्हें ये जबान नहीं आती। इसकी शुरुआत तब हुई जब उर्दू जबान के मुरीद इंडस्ट्रियलिस्ट संजीव सराफ ने उर्दू शायरी की तरफ रुख करने का फैसला किया, लेकिन उन्हें दिक्कत इसके करीब पहुंचने में हुई क्योंकि चुनिंदा शायरों को छोड़कर बाकी शायरों के कलाम उनके हाथ नहीं लग रहे थे। रेख्ता की शुरुआत तो बिल्कुल इत्तफाक है। एक मुझे बचपन से शेर व शायरी का, हिंदी गानों का बहुत शौक़ रहा है। मेरे वालिद को बहुत शौक़ था गज़ल सुनने का, तो बचपन से समातों में उर्दू, हिंदी पुराने गाने सब मिले थे। लेकिन फिर जैसे कि होता है बिज़नेस फैमिलीज़ में, मैं पढ़ाई की राह पे और फिर कामकाज की राह पे लग गया। एक दिन मैंने ये रियलाइज़ किया, ये अंदाज़ा हुआ कि मैं अभी इस काम से ऊब गया हूँ और मुझे कुछ अपने खुद के लिए, अपने रूह के लिए, अपने दिल के लिए कुछ करने की ज़रूरत है। तब मैंने उर्दू शायरी की तरफ अपना रुख किया। जब वहाँ रुख किया तो ये अंदाज़ा हुआ कि कुछ मैसर नहीं है इंटरनेट पे या किताबों के फॉर्म में, कुछ मुहैया नहीं था। तो फिर उर्दू सीखनी शुरू की मैंने, स्क्रिप्ट 55 साल की उम्र में मैंने उर्दू स्क्रिप्ट सीखी और ये मुझे एहसास हुआ कि मुझ जैसे लाखों करोड़ों लोग होंगे जो उर्दू की तरफ आना चाहते हैं लेकिन कोई वसाइल नहीं है वहाँ तक पहुँचने के। तो हमने ये तय किया कि एक बहुत छोटी शक्ल में इंतखाब करके जो उम्दा कलाम है उर्दू में उसे वेबसाइट पे देवनागरी में और अंग्रेज़ी में, रोमन स्क्रिप्ट में पेश किया जाए। तो ये हमने साइट पहली मरतबा जब लॉन्च की थी 2013 जनवरी में लॉन्च की थी साइट, और बहुत ही कम अरसे में इसको जो मकबूलियत हासिल हुई उससे इसमें पर लग गए। और उसके बाद तब और आज का दिन कि जहाँ पहले 50-60 शोरों का कलाम हम शाया करना चाहते थे, आज के दिन 4,500 शोरों का कलाम शाया हो चुका है। और न सिर्फ कलाम शाया हुआ है, पहले सिर्फ गज़लों का इरादा था हमारा, नज़में भी आ गईं, नसर भी आ गया, एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट प्रिजर्वेशन का हमने शुरू किया वो भी आ गया। तो इस तरह रेख्ता जो है बढ़ते चले गया और अब कहाँ जाएगा मुझे भी अंदाज़ा नहीं है। तो वर्चुअली एवरीथिंग उर्दू इज़ रेख्ता, उर्दू लिटरेचर। इस बीच एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाने का ख्याल आया जहाँ लोग आसानी से दुनिया के तमाम उर्दू शायरों को पढ़ सकें। इस ख्याल को नाम दिया गया रेख्ता और 5 साल के दौरान इस प्लेटफॉर्म से दुनिया के करीब 160 मुल्कों के लोग जुड़ गए। ये प्लेटफॉर्म इसलिए भी कामयाब रहा क्योंकि यहाँ उर्दू शायरी को रोमन और देवनागरी लिपि में परोसा गया ताकि वो लोग भी उर्दू शायरी का लुत्फ उठा सकें जिन्हें इस जबान की कोई खास समझ नहीं। यही नहीं, यहाँ मुश्किल शब्दों के अर्थ भी दिए जाते हैं। रेख्ता की सबसे काबिल तारीफ बात यह है कि ये एक ऐसी जबान के साथ नई नस्ल को जोड़ने में कामयाब रहा जिसे कुछ लोग गुजरे जमाने की जबान मानते हैं। मेरे ख्याल से ये गलत फहमी है कि उर्दू जो है बहुत पुरानी जबान है। पुरानी है लेकिन उसका जो रेलेवेंस है इट इज़ इटर्नल, बिकॉज जबानें जो हैं, उर्दू हैज़ ड्रॉन सो मच फ्रॉम आर इंडियन लैंग्वेजेस। 70% जो उर्दू की वोकेबलरी है वो हिंदुस्तानी जबानों की वोकेबलरी है, सिर्फ 30% जो है वो अरबी या फारसी या तुर्की या सेंट्रल एशियन से आई है। तो ये लोकल जबान है, नंबर 1। नंबर 2,
इसकी ख़ास बात यह है कि इसका ग्रामर और सिंटैक्स जो है वो इंडियन है. आई कैन रीड पर्शियन, मैं पर्शियन पढ़ सकता हूँ लेकिन पर्शियन समझ नहीं सकता हूँ, बिकॉज ग्रामर और सिंटैक्स फ़र्क है. जहाँ की उर्दू का सिंटैक्स हिंदुस्तानी सिंटैक्स है, तो हर शख्स कनेक्ट करता है. और बॉलीवुड ने पिछले 50-60-100 साल में जो उर्दू को ज़िंदा रखा है, आप सोच भी नहीं सकते हैं कि बॉलीवुड में बगैर उर्दू के कोई फिल्म बन सकती है, चाहे स्क्रिप्ट हो चाहे लिरिक्स हो. हिंदी मूवीज़ कहते हैं लेकिन स्क्रिप्ट और लिरिक्स जो हैं वो उर्दू के हैं. एक जुमला भी बोलने की कोशिश कर लें उर्दू के बग़ैर तो आपको बहुत मुश्किल जाएगी. और इस जुमले में 5 लफ्ज़ उर्दू के हैं. जुमला, बग़ैर, कोशिश, मुश्किल, सारे उर्दू लफ्ज़ हैं. हम सोचते हैं हिंदी है उर्दू. डिजिटल प्लेटफॉर्म का एक फ़ायदा ये भी रहा कि नई नस्ल के जवां शायरों को रेख्ता पर अपने कलाम पब्लिश करवाने का मौका मिल गया. अमूमन पब्लिशर्स उन शायरों की ही किताबें छापते हैं जो पहले से ही मशहूर होते हैं, जिनकी किताबें आसानी से बिक जाती हैं. बहुत बड़ी तादाद में बच्चे लिख रहे हैं, शायरी कर रहे हैं, और उनके जो मौजूआत हैं, टॉपिक्स जो हैं, वो मुख्तलिफ हैं. दे हैव मूव्ड away from the classical love poetry or poetry of pain or longing. They've gone into social aspects, they've gone into completely different set of thought process and diction. Very large number, and you'll be surprised if you see the demographics of this lot. There'll be people from all over the country. Jo mindset hai ki sirf Musalman shayar the ya hain, wo galat hai. Musalman bhi hain, हिंदू भी हैं. आजकल तो शायरी बाहर भी जा रही है, हमने अरबी शायर सुने हैं, जापानी शायर सुने हैं. तो शायरी इज़ अ बिग ड्रॉ ऑल ओवर द प्लेस, एंड यंगस्टर्स फाइंड इन रेख्ता फाइंड अ प्लेटफॉर्म टू पब्लिश देयर वर्क. बिकॉज इवन द वेबसाइट, वी हैव अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ यंग पोएट्स हु आर नाउ पब्लिश ऑन आवर वेबसाइट. बट किताबों का जहाँ तक मामला है, किताबों के अंदर जाहिर है बिकॉज ऑफ कमर्शियल रीजंस ओनली द फेमस पोएट्स गॉट पब्लिश्ड. गालिब की बहुत किताबें मिल जाएंगी, ज़ौक, ज़फ़र मिल जाएंगी, मीर मिल जाएंगे, फैज़ मिल जाएंगे, साहिर मिल जाएंगे, बट यंग पोएट्स डोंट गेट द अपॉर्चुनिटी टू गेट पब्लिश्ड. ज़्यादातर लोगों को सेल्फ पब्लिश करना पड़ता है एंड दे कांट अफोर्ड इट. सो रेख्ता में हमने एक मुहिम शुरू की थी कि एवरी मंथ वी विल कम आउट विद 2 बुक्स, वन फ्रॉम अ यंग पोएट हुज़ वर्क इज़ गुड, विच आर एडिटोरियल टीम काइंड ऑफ सेलेक्ट्स, and one established poet who did not make it big in terms of public awareness. तो वो हमने इंतखाब करके ये दो सीरीज शुरू की हैं, and that gives people the opportunity to get to people's homes and get the opportunity to be read. रेख्ता नौजवान शायरों के लिए उनके ख्वाब की ताबीर पूरा करने का जरिया बन गया है. रेख्ता की कशिश का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि एक दिन अचानक फैजल कश्मीर से आए और रेख्ता के ऑफिस पहुंच गए, और आज वो इसकी सोशल मीडिया टीम के साथ काम करते हैं. और रेख्ता में मुझे ये याद है कि नीचे गेट की जो गार्ड है उसने मुझे रोक लिया और कहा कि भाई कहाँ जाना है. मैंने कहा रेख्ता जाना है. तो उन्होंने कहा कि अच्छा रेख्ता जाना है तो अपॉइंटमेंट है आपकी. मैंने कहा जी अपॉइंटमेंट तो नहीं है. तो उन्होंने कहा तो हम कैसे आपको जाने दें. मैंने कहा आप ऐसा कीजिए कि उनसे कहिए कि कश्मीर से 23 साल का शायर आया हुआ है. तो उन्होंने हमें बुला लिया, तो फिर हम उनके पास बैठे और कुछ देर की गुफ्तगु हुई, जिसकी बिना पर उन्होंने जो है हमें रेख्ता में मतलब जॉब दे दी. और उस दिन मुझे ये महसूस हुआ कि रेख्ता जो है न सिर्फ उर्दू ज़बान और अदब और उर्दू शायरी को के तहफ़ुज़ के लिए काम कर रहा है, बल्कि जो नौजवान शायर जो अभी बिल्कुल जिनके पास कोई रास्ता नहीं है या कुछ, उनको भी वो एक सहारा देते हैं. रेख्ता ने प्रतिभाशाली युवा शायरों को एक प्लेटफॉर्म तो मुहैया करा दिया है, लेकिन कई लोगों का मानना है रेख्ता सही मायने में तब कामयाब होगा जब उर्दू स्क्रिप्ट सीखने के लिए उनकी ऑनलाइन क्लास से ज्यादा लोग जुड़े. उपन्यासकार और वरिष्ठ पत्रकार परवेज अहमद का कहना है कि उर्दू पढ़ने वाले लोगों की तादाद लगातार कम होती जा रही है. उर्दू जबान भले ही फलती फूलती रहे, लेकिन इसकी स्क्रिप्ट खत्म होने की कगार पर है. देखो लैंग्वेज का चैनल यही है, जब हम किसी लैंग्वेज की बात करते हैं तो जब तक हमें स्क्रिप्ट उसकी नहीं आएगी, हम अपने आप को लैंग्वेज का जानकार नहीं कह सकते.
जैसे बगैर स्क्रिप्ट के आप ABCD जाने अंग्रेज़ी नहीं पढ़ सकते, या अंग्रेज़ी का आपने आपको कह नहीं सकते कि आपको अंग्रेज़ी आती है, ऐसा उर्दू के साथ है। उर्दू के साथ हो कह रहा है कि उर्दू को पसंद किया जा रहा है, उर्दू को यूज़ किया जा रहा है, उर्दू बहुत पॉपुलर है, लेकिन जो बेसिक चीज़ है उसकी वो कोई जानता नहीं है। तो जब तक उसकी स्क्रिप्ट जानने वाले ज़्यादा नहीं होंगे, उर्दू का बहुत भला नहीं होगा। एक आइडिया ये भी आया कि उसकी स्क्रिप्ट बदल दीजिए, हिंदी कर दीजिए उसकी स्क्रिप्ट, तो मेरा कहना है कि भाई अंग्रेज़ी की भी कर दीजिए, फिर स्क्रिप्ट ही आपको किसी ओरिजिनल रखना है, क्योंकि हर स्क्रिप्ट का एक कल्चर होता है, उसकी एक आइडेंटिटी होती है, उसका एक साउंड होता है, उसका एक म्यूज़िक होता है, उसका एक हिस्ट्री होती है, तो आप उसको कैसे मिस कर सकते हैं। तो उस पूरी अल्फ़ाबेट के साथ जो है, जो अरबी या पर्शियन से आई है और एक उर्दू बन गई है, उसको जब तक जिंदा आप नहीं रखेंगे, उर्दू का बहुत भला नहीं होगा। रेख्ता के ऑनलाइन कोर्स की क्लास में अभी कम लोग शामिल हुए हैं, लेकिन धीरे धीरे इसकी संख्या बढ़ रही है। एक तरफ जहां रेख्ता उर्दू को लोकप्रिय बनाने की कोशिश कर रहा है, वहीं रामपुर की रजा लाइब्रेरी से लेकर पटना की खुदा बख्श जैसी भारत की पुरानी लाइब्रेरियों में बिखरे पड़े उर्दू अदब को डिजिटाइज करने का भी अहम काम कर रहा है। रामपुर रजा में का स्कैनिंग चल रही है, खुदा बख्श में स्कैनिंग चल रही है, पटना में जैसे आपने जिक्र किया सौलत लाइब्रेरी में चल रही है, हैदराबाद में काम चल रहा है, इलाहाबाद में चल रहा है, पटना में चल रहा है। तो इस तरह से हमारा मकसद ये है कि अब एक सिरे से शुरू करके जितना भी अदब का कंटेंट है, और हम लोग सिर्फ फोकस अदब पे कर रहे हैं, फैलाने जाएं तो हिस्ट्री सोशियोलॉजी बहुत सब्जेक्ट्स हैं जहाँ पे काम हो सकता है, लेकिन हमने फोकस अदब पर रखा, अदरवाइज़ कोई उसका एंड नहीं होगा। अभी तक जो हमने किया है 90,000 किताबें हम लोग कर चुके हैं, और हर महीने 2,500 किताबों का इजाफा हो रहा है। इसमें कितना कंटेंट है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन हम कुछ भी नहीं छोड़ रहे हैं। इवन मल्टीपल एडिशन ऑफ द सेम बुक, हर एडिशन में कुछ इजाफा होता है, कोई फ़र्क पड़ता है, वो हम कर रहे हैं। मुझे खुशी है कहने में कि ये सबसे बड़ा ज़खीरा बन गया है, ये जहाँ पर इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ जो हैं, हार्वर्ड, बर्कली, यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो, कोलम्बिया, वहाँ के स्कॉलर्स भी इसे एक्सेस कर रहे हैं और हमें लिखते हैं कि भैया ये तो बहुत ही अहम और बहुत ही कीमती रिसोर्स हो गया उनके लिए। एक शख्स के जुनून से शुरू हुआ रेख्ता आज एक मुहिम बन चुका है। रेख्ता हर साल जश्न रेख्ता फेस्टिवल का आयोजन करता है, जिसमें उर्दू के जाने माने शायर स्कॉलर्स हिस्सा लेते हैं। इसमें हजारों की तादाद में लोग शिरकत करते हैं, जिनमें नौजवानों की संख्या सबसे ज्यादा होती है। रेख्ता अपने आप में एक बड़ा फेस्टिवल बन चुका है। फेस्टिवल में जुटने वाली भीड़ और बड़े नामों की इसमें शिरकत रेख्ता के बढ़ते नेटवर्क का सबूत है। आगे के लिए इसकी और बड़ी योजनाएं हैं। शुरुआत तो चिंगारी हुई पैशन, पैशन के बगैर मेरे हिसाब से कोई काम हो नहीं सकता। एंड मेरी खुशकिस्मती थी कि मेरे पास वो वसाइल थे, एंड जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है बिजनेस में और काम करने में, उसकी वजह से जो जो ज़रूरतें थी इन टर्म्स ऑफ स्किल सेट्स, मैनेजमेंट स्किल्स, टेक्नोलॉजी, विलिंगनेस टू स्पेंड मनी एंड एक्सपेरिमेंट विद डिफरेंट थिंग्स, वो सब हम कर सके। एंड ओवर टाइम अगर नीयत अच्छी हो और काम ठीक हो तो उस तरह के लोग जुड़े चले आते हैं। और मुझे खुशी है कि आज रेख्ता में हमारी इतनी बढ़िया टीम बन गई है ओवर टाइम, कि जहाँ 2 लोगों से शुरू किया था हमने, आज 115 लोग फुल टाइम रेख्ता में काम कर रहे हैं। काम तो क्या कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी रेख्ता पे निछावर कर रहे हैं। हर साल कुछ विजन बनाते हैं और साल भर में वो तब्दील हो जाती है। तो रेख्ता का भी अब अलग अलग एजुकेशन में भी आ गए हैं, पब्लिशिंग में भी हैं, इवेंट्स में भी हैं, वेबसाइट तो खैर है ही है। इसके अलावा बहुत एक ज़रूरत महसूस हुई, बहुत डिमांड थी कि जिस तरह हमने रेख्ता में काम किया है उर्दू के लिए, हिंदुस्तानी के लिए, वैसे ही हिंदी लिटरेचर के लिए, हिंदी अदब के लिए भी कुछ किया जाए। तो हाल ही में हमने हिंदवी के नाम से हिंदी ज़बान के लिए, हिंदी अदब के लिए एक वेबसाइट शुरू की है, और इसको भी उम्मीद है कि उसी रफ्तार से, उसी डायरेक्शन में हम ले जाएंगे। विजन का यहाँ सवाल है। एक जो हमने हाल में एक्सप्लोर कर रहे हैं जिस चीज़ को, कि सिर्फ हिंदी और उर्दू ज़बानें नहीं हैं हमारी जिन्हें ज़रूरत है इस तरह की, हमारी इतनी मुख्तलिफ ज़बानें हैं,
بڑی زبانوں میں بنگالی ایک طرف ہے جہاں ایسٹ بنگال ویسٹ بنگال ملا کے بہت بڑی تعداد میں لوگ ہیں, ایسٹ پنجاب ویسٹ پنجاب انڈین پنجاب پاکستانی پنجاب میں بہت بڑی تعداد ہے, ساؤتھ انڈین لینگویجز ساری کی ساری ہیں, تامل تیلگو کنڑ ملیالم گجراتی مراٹھی, تو ان سب زبانوں کو ضرورت ہے کہ ریختہ جیسی کوئی چیز پریزرویشن کے لیے پروپوگیشن کے لیے ایکسیسیبلٹی کے لیے ہوں, اور ہم ریچ آؤٹ کر رہے ہیں لوگوں سے جو انڈیویژل لینگویج چیمپئن بن کے ہمارے ساتھ کام کریں, چونکہ ہمارا پلیٹفارم بن گیا ہے, ٹیکنالوجی پلیٹفارم بن گیا ہے, پروسیسز آ گئے ہیں, سوشل میڈیا اسکلز ڈسمنیشن طریقے سے ہمیں ایکسپیرینس وی ہیو لرنڈ اوور ٹائم, سو دس کین بی ڈپلائڈ, اسے باقی زبانوں کے لیے بھی استعمال کیا جانا چاہیے, اور ہم تلاش میں ہیں کہ ایسے لوگ آئیں, ہم بھی ریچ آؤٹ کر رہے ہیں, وہ آئیں گے تو یہ میرے خیال سے ہندوستان کی ساری زبانوں کے لیے یہ بہت کارآمد ثابت ہو سکتا ہے. ریختہ نے اردو کے پرچار پرسار کے لیے ایک بڑا کام کیا ہے, جس طرح اس نے ٹیکنالوجی آدھارت ایک کامیاب پلیٹ فارم بنایا ہے, اسے دیکھ کر دوسری بھاشاؤں میں بھی شاید اسی طرح کے پلیٹ فارم بنانے کی کوشش ہو اور ایک ساہتیک کرانتی کی شروعات ہو. سنجیو سراف کے لیے آج سب سے بڑی چنوتی ہے ریختہ کا بھوشیہ. اس کے لیے ضروری ہے کہ ریختہ اپنے خرچے اٹھانے کے لیے آتم نربھر بنے تاکہ یہ مہم بھوشیہ میں بھی جاری رہ سکے. ریختہ کی کامیابی اچھے لیکھن کی چاہ اور بھارت کی سمرد وراثت کے پرتی لگاؤ کی ایک بہت بڑی مثال ہے. سلیقے سے ہواؤں میں جو خوشبو گھول سکتے ہیں, ابھی کچھ لوگ باقی ہیں جو اردو بول سکتے ہیں.